हमारा अगला टॉपिक है आंकड़ों को व्यवस्थित करना। आंकड़े हमने कलेक्ट कर लिए, डेटा हमारे पास आ गया, लेकिन वो डेटा जो होता है हमारा वो अपरिष्कृत होता है। उसे साधारण भाषा में हम कच्चे आंकड़े भी कहते हैं कि वो कच्चे आंकड़े होते हैं। किस तरह से कच्चे आंकड़े होते हैं, इसे अपरिष्कृत या अवर्गीकृत आंकड़े भी कहते हैं कि जिनका वर्गीकरण ना किया गया हो। एक एग्जाम्पल के जरिए से हम समझ सकते हैं कि ये क्या होता है और इन्हें व्यवस्थित कैसे करते हैं आंकड़ों को। तो फिर से हम एक क्लास का एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं और हमारे 50 स्टूडेंट्स ने कुछ मार्क्स उनके एग्जाम में आए, हिंदी या मैथ कोई से भी सब्जेक्ट का, उनकी डिटेल ले लेंगे कि हमारे जो बच्चे हैं हम उनकी डिटेल जो है मार्क्स की उसे लिख रहे हैं कहीं कि एक बच्चे के आए 41, दूसरे के 48, एक के 26, 33, 24, इस तरह से 50 बच्चे हैं, 50 बच्चों के मार्क्स हमने लिख लिए। अब क्या है, ये हमारा अपरिष्कृत रूप है, अपरिष्कृत है, अवर्गीकृत है, यानी कि कोई सिस्टम नहीं है। अब हमें हमारे पास बच्चों के मार्क्स हैं, लेकिन इनमें फर्स्ट कौन आया, प्रथम स्थान किसका आया, द्वितीय किसका आया, इस तरह से हमें इसमें पता करना है। तो उसके लिए, पता करने के लिए हमें इसे क्या करना पड़ेगा, इसे वर्गीकृत करना पड़ेगा, एक इसे सही रूप देना पड़ेगा। अब इन्हें आंकड़ों को वर्गीकरण इनका किस तरह से होता है, हम इन्हें क्या करते हैं, या तो आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में हम इन्हें लिखते हैं। अब आरोही क्रम या अवरोही क्रम ये क्या होता है, पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि आरोही क्रम किसे कहते हैं। आरोही क्रम होता है बढ़ता हुआ क्रम, आरोही का मतलब है बढ़ता हुआ, और दूसरी टर्म होती है हमारी अवरोही। अवरोही किसे कहा जाता है, यह होता है हमारा घटता हुआ क्रम। अभी बढ़ता हुआ क्रम और घटता हुआ क्रम क्या है, इसमें कुछ और ऐड कर लेते हैं। ये है हमारा कि कुछ बच्चों के मार्क्स हैं। अब इसमें आरोही क्रम, यानी कि आरोही क्रम में जब हम संख्याओं को लिखते हैं तो क्या करते हैं कि सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या लिखते हैं और उसके बाद उससे बड़ी संख्या लिखते हैं। ये जो आंकड़े हमारे पास है इसका आरोही क्रम हमारा क्या होगा, हम इसमें देखेंगे कि सबसे छोटी संख्या हमारी कौन सी है, 24। 24 को हमने यहाँ उतार लिया और इसे कट कर दिया कि हमें ये ध्यान रहे कि ये हमने उतार ली है। 24 के बाद हमारी सबसे 24 से बड़ी हमारी संख्या क्या है, 24 से जस्ट बड़ी, यानी कि ये है 26। ये 26 हमने उतार लिया और इसे कट कर दिया। अब 26 के बाद कौन सी संख्या है इसमें, 33। 33 दो बार है, ये हो गया हमारा 33। 33 अब क्या है हमारा 36, ये हमने उतार लिया 36 और ये कट कर दिया। 36 के बाद है हमारा 41, 41 उसके बाद है हमारा 46, 47 और ये लास्ट में हमारा 48। ये होता है इन्हें व्यवस्थित करने का क्रम। अब जिस बच्चे के 48 मार्क्स हैं हम उसे बता सकते हैं कि ये बच्चा हमारा क्लास में प्रथम है, 47 वाला द्वितीय है, 46 वाला तृतीय है, और सबसे कम मार्क्स जिस बच्चे के आए हैं उसे हम बता सकते हैं, उसका जो भी कुछ उसका नाम होगा। अवरोही क्रम इसका उल्टा होता है, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखी जाती है और उसके बाद उससे छोटी संख्याएं लिखी जाती हैं। ये हमारा अवरोही क्रम होता है और इस तरह से हम आंकड़ों को क्या करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। जो हमारे पास संग्रहित आंकड़े होते हैं, जो डेटा कलेक्शन होता है कच्चे आंकड़ों का, उन्हें इस तरह से हम आंकड़ों को व्यवस्थित रूप में लिखते हैं। थैंक यू।